हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? कदीम ब्यूटी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन। तो ये अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन होंगे, तो उनको दिखाएंगे हम आपको। तो इसमें बहुत सारी क्वालिटी के हैं, फिलहाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो चलते हैं दिखाते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये हमारी प्लेट है, ये सलाद प्लेट है, सलाद के लिए काम आती है ये। और इसमें मेज पे अपना सजा करके सलाद रख सकते हैं रिश्तेदारों के लिए। और एक प्लेट ये आ जाती है, देखिए ये बहुत नए डिजाइन में है। और देखिए कढ़ाई भी कितनी इसमें खूबसूरत हो रही है। और इसको जो यूज में लिया जाता है, सूप प्लेट के तौर पे यूज में लिया जाता है इसको। इसमें सूप रख करके सूप पिया जाता है। और देखिए एक इसी क्वालिटी में ये है बाउल, ये इसको दही के लिए यूज किया जाता है, ये दही में इस्तेमाल की जाती है ये। और आपको और मैं दिखाता हूँ, और ये इसके अंदर छोटी सी एक और है, ये चटनी कटोरी है, इसको चटनी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि समोसे की चटनी या घर पे कोई भी चटनी बनाई जाती है तो उसके लिए कढ़ाई इसी क्वालिटी की है। और ये कढ़ाई, ये पनीर वगैरह, जैसे तला हुआ पनीर होगा या पनीर की सब्जी हो गई या कढ़ाई पनीर हो गया, तो ये उसके लिए यूज होती है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी इसके इसमें भी डिजाइन है। तो और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ये एक ही अलग क्वालिटी में आ जाती है। फिर ये भी जो है चटनी के लिए है, चटनी के लिए यूज होती है। और इसी तरीके से ये भी प्लेट इसी तरीके से है। तो मैं और आगे दिखाऊंगा आपको। ये बाउल सेट है, छोटा बड़ा दोनों तरीके के, तीन साइज में है ये, देख सकते हैं, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, तीनों साइज में है। बहुत अच्छी क्वालिटी में है, देख सकते हैं इसके अंदर ग्लेजिंग भी कितनी अच्छी हो रखी है, बहुत बढ़िया ग्लेजिंग हो रही है। और ये टी सेट है, इसके लिए ये इसमें चाय डाली जाती है और इसमें रख करके चाय इन कप को पी जाती है। तो ये चलता है जैसे मुंबई वगैरह, जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली और बड़े शहरों में चलता है। और एक प्लेट ये आ जाती है, सूप प्लेट। तो देख सकते हैं इसमें टेक्सचर का डिज़ाइन है, बहुत अच्छा ग्लेज हो रखा है इसमें, पीछे से भी देखिए ये दाने दाने से हैं, तो टेक्सचर हो रखा है बहुत खूबसूरत। और आपको और भी दिखाता हूँ, एक बाउल सेट ये आ गया, ये देखिए ये छोटी है, ये चटनी बाउल है, जैसे डाइनिंग टेबल पर रखते हैं तो चटनी बाउल है। और एक बाउल ये आ जाती है इसमें, ये बाउल भी बहुत खूबसूरत है, तो देख सकते हैं आप। और इसकी दो बाउल ये भी हैं, तो ये भी, ये वेस्ट बाउल है और ये सब्जी वगैरह इसमें खा सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक ही क्वालिटी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ही क्वालिटी में। तो इसको, ये प्लेट है, तो देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है। हालांकि इसमें आप फल वगैरह, फल की सलाद, फल की चाट वगैरह भी रख सकते हैं, और जैसे कोई गेस्ट आए तो उनके लिए बहुत अच्छे से सामने रख सकते हैं, तो खुश हो जाएंगे गेस्ट भी। और एक प्लेट, दो प्लेट ये हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सलाद प्लेट है, ये सलाद के लिए काम आती है डाइनिंग टेबल पर। और दूसरी प्लेट ये आ जाती है फुल प्लेट, राइस वगैरह रखने के लिए, तो उसके लिए यूज़ होती है। तो और मैं आपको दिखाऊंगा, ये हांडी है, देखिए ये हांडी 600 ml की हांडी है, ये देख सकते हैं आप, ये क्रीमी कलर में है, ये इस पे जो क्रीमी कलर का ग्लेज है और इसमें हल्का हल्का इसमें जो है टेक्सचर पड़ा हुआ है। तो ये जो यूज़ में आती है, जैसे दही वगैरह और या दूध रख दिया या दही रख दी या कोई भी, इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं, ये गैस पे भी, गैस की हीट भी झेल सकती है। और इसी तरीके से इसका मीडियम ये है, ये मीडियम में है, देख सकते हैं आप,
ये मीडियम में है, तो ये जो है ये 400 ml में है। इसमें भी इसी प्रकार से आप जो है कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसका एक छोटा पीस भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका छोटा पीस है, ये 250 ml में है, इसे भी यूज़ में ले सकते हैं इसी तरीके से। और एक सेट दूसरी क्वालिटी में ये सेट है, ये रहा ये सेट है, देखिए इसी प्रकार से ये भी सेट है। तो और एक क्वालिटी में हमारा देखो इसके साथ में इसी क्वालिटी में ये प्लेट, सूप प्लेट भी आ जाती है, ये भी सूप के लिए यूज की जाती है। तो गाइज हमारा ब्लॉग पूरा हो चुका है, तो हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब फॉलो करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।